गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन, जो आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्न करना अनिवार्य है आपको परीक्षा के लिए। सही विकल्प इसमें से एक उत्तर सही है। बहुपद 5x + 4x की घात 2 / 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा ऋण 3। FI अक्ष को बिंदु P 3 4 की लंबी दूरी है 25, ऋण 4 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? यह होगा तृतीय में। शून्य बहुपद की घात 1 होगी। बिंदु 7 ऋण 6 की कोटि का मान है ऋण 6। यदि x प्लस 1 बहुपद 2x² + k से गुणनखंड हो तो k का मान होगा C 2। यदि a प्लस b प्लस c = 0 तो a² + b² + c² होगा 3abc। वर्गीकरण 3a + 4b = 2 और का निम्नलिखित में से कौन सा हल हो सकता है? a 4 और 3 दो संख्याओं का योग 25 मानता 6 है तो भी संख्याएं होंगी 15 और 10। बिंदु 0 ऋण 7 जो है स्थित है, ये होगा y अक्ष। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक मिलते हैं कहलाता है मूल बिंदु। एक पिरामिड के पार्श्व फलक त्रिभुजाकार होते हैं। एक बिंदु की विमाओं की संख्या 0 है। किसी त्रिभुज के श्रेणी का अनुपात 5 3 7 है तो त्रिभुज 1 जो होगा वो आंसर है न्यूनकोण त्रिभुज होगा 2। आसन्न कोणों का योग बराबर होता है 0 डिग्री। यदि कि चतुर्भुज के विकर्ण समकोण विकर्णों के बीच स्थित हैं तो वह यदि कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर से निर्धारित ना कहो तो वह आकृति होगी समचतुर्भुज की। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग संतर की कसौटी नहीं है? SSA वह चतुर्भुज बराबर आधार और एक ही समांतर रेखा में स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात समचतुर्भुज होगा। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों चार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1/1 होगा। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 96 सेंटीमीटर² घन का आयतन होगा 8 सेंटीमीटर². ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने बीज वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्नों का अध्ययन किया, जिसमें से आपको परीक्षा में जैसे घन है तो घन में आपको घन का सूत्र, घन का आयतन, इसके सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे। विकर्ण किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए आपको। आसन्न कोण क्या होता है, इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इसको याद कीजिए। थैंक यू सो मच।